कोरोना संकट के चलते शिक्षण संस्थान पिछले काफी महीनों से बंद पड़े हैं। ये संस्थान इसलिए बंद किए गए थे ताकि कोरोना संक्रमण अपने पांव न पसार सके। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि शिक्षण संस्थानों में भारी भीड़ रहती है और यहाँ नियमों का पालन सख्ती से नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सब कुछ खुल चुका है लेकिन अभी तक शिक्षण संस्थान नहीं खुले हैं। अब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 21 सितंबर से 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। ये जानकारी शिक्षा उपनिदेशक योगेंद्र मखैक ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अभी केंद्र सरकार ने ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं लेकिन अभी तक राज्य सरकार से कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है जिसमें कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चे शिक्षा में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए अध्यापकों से मिल सकते हैं लेकिन स्कूल में किसी तरह की कक्षाएं नहीं चल पाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को सख्ती से सभी नियमों का पालन करना होगा। ऐसा संभवतः ये जो अभी जो गाइडलाइंस आई हैं जो केंद्र सरकार के ही ये दिशा निर्देश हैं कि 21 तारीख से जो बड़े बच्चे हैं खास करके 10th 11th और 12th के जो बच्चे हैं इनका जो है पेरेंटल कंसेंट के बाद ये विद्यालयों में आ सकेंगे और इनको ये भी अपनी क्वेरीज को लेकर के कोई चीज़ समझ नहीं आई है कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या किसी के बारे में इनको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए इसके लिए शिक्षक उपलब्ध होंगे और शिक्षक भी रोज एक उनका एक रोस्टर सा बनेगा जिसमें 50% शिक्षक जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे विद्यालय में और बच्चे पेरेंटल कंसेंट के साथ ही प्रॉपरली सैनिटाइज होंगे प्रॉपर डिस्टेंस बना करके। इनफैक्ट जो वो प्रोसीजर बताया गया है उसमें तो गेट पर ही पहले तो उनका वो टेम्परेचर स्कैन थर्मो स्कैनिंग करके ही वो विद्यालय में प्रवेश लेगा। यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर हायर साइड पर होगा तो उसे प्रवेश देने की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी हमारे राज्य की तरफ से हमारे विभाग की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश अभी खोलने के संबंधित नहीं मिले हैं। जो केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है इसी के अनुसार मैं आपको ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रति बिल्कुल जो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जैसे 50% का और पेरेंटल कंसेंट के साथ विद्यालय में आने का ये तो सभी के लिए एक समान रहेगा। अब उनका पढ़ाने का क्या है वो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पर हमारे पास तो यही है कि रेगुलर क्लासेस नहीं लगेंगी बल्कि जो उनकी दिक्कतें हैं या कोई उनकी जो पूछताछ उन्होंने किसी विषय या किसी टॉपिक संबंधी उन्होंने करनी है उसी के बारे में ये लगेंगी अभी।